क्वेश्चन है टू कंपेयर द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इररिस्पेक्टिव टू वन्स पोजीशन ऑफ द एंड द ग्रुप ऑफ द रेफर एज। क्वेश्चन है समूह विच किसी भी स्थिति की परवाह किए बिना प्रदर्शन के निर्धारित मापदंड नाल व्यक्तिगत प्रदर्शन की तुलना करन नू तुलना होएगी। साडे को ऑप्शन है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म नू मैं सर्कल किया, रेफरेंस नू इस तरह लिखा, और है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक नुकता दस्या सी मैं एक वीडियो विच कि जिहड़ियां ओ ट्रिक्स ते वीडियो बनाईयां सी कि जदों दो ओपोजिट ऑप्शन मिल जांदियां हन इत्थे रेफरेंस शब्द यह दसदा है कि इको कैटागरी दे यह दो ऑप्शन हन ते एक दूसरे दे विरोधी हन। जे तां तुहानूं पता है एक दूसरे दे विरोधी हन तां प्रोबेबली 95% 99% राइट आंसर इन्हां दोनों दे विच हुंदा है। हाँ मैनू नॉलेज है, मैनू एक शब्द तो ही पहचान लिया कि उत्तर केड़ा हुंदा है, पर तुसी ओ किस तरह सीखना है कि एक शब्द तो असी ओ लभ लईए। नैचुरली है कि हुण सानू यह पता होना चाहिए नॉर्म रेफरेंस की हुंदा है, क्राइटेरियन रेफरेंस की हुंदा है, उस लई आजो नुकता सीख लैने हां। सानू यह पता लग गया है कि इहदे विच ही आंसर है, पर सानू यह नहीं पता लग रहा कि नॉर्म रेफरेंस सही है या क्राइटेरियन रेफरेंस इत्थे सही है। उहदे लई देखदे हां, मैं इत्थे लिख लिया नॉर्म। ओके, याद रखने लई मैं की कीता, आर नू थले खिचिया और इत्थे लिख लिया रैंक। इन्नी गल है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जां इवैल्यूएशन हमेशा बच्चे दा, किसी विशेष बच्चे दा, इंडिविजुअल दी गल कीती गई ना, इंडिविजुअल बच्चे दा रैंक करेगा। एग्जाम्पल नाल लैके चलदे हां, इत्थे लिखण लगे हां थर्ड, बच्चा क्लास विचों तीजे दर्जे ते है, है ना। अच्छा, जो तीजे दर्जे ते आ गया इट मीनस ओदी पोजीशन इन ग्रुप, जां ग्रुप क्लास भी हो सकती है, एक शहर के विद्यार्थी, बोर्ड के पूरे विद्यार्थी भी हो सकते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस है जदों किसी का रैंक कटते हाँ, जदों किसी की पोजिशन कटते हाँ, कहने ना सोशो इकनोमिक स्टेटस, उसके विच रैंक ते पोजिशन होंगी है, हाई सोशो इकनोमिक का, लो का, एवरेज का, इस तरह से कहने हैं। हम पोजिशन है तो हर हालत विच कंपैरिजन विद अदर्स हर हालत च होएगा, एना नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। सो किहड़े शब्द वरते जा सकते हैं नॉर्म रेफरेंस विच, रैंक हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, किन्ने दर्जे ते है बच्चा, हाँ तुहानू स्केल नहीं, वैसे ऑर्डिनल स्केल ते हमेशा हुंदा है, पोजिशन शब्द हो सकता है, कंपैरिजन विद अदर्स हो सकता है। ये अपनी समझ विच बिठा लेना है कि किसी का भी रैंक या पोजिशन असी किसी ना कंपैरिजन किए बिना नहीं कर सकते। एक गल होर कि मैं कोगनेटिव स्ट्रैटेजी रूल्स ट्रिक्स दस रहा हाँ तुहानू, पर इहदे विच एक स्ट्रैटेजी प्लस होर कर लो कि लिखना, राइटिंग इज ए स्ट्रैटेजी। इस तरह नॉम लिखो, इस तरह इन पोजिशन इदा रैंक लिखो, इतने थर्ड लिखो, अपनी एग्जाम्पल क्लास की मन में बिठा लो, पोजिशन लिखो, कंपैरिजन लिखो, ये शब्द तुहानू याद हो गए। दोबारा मेरे ख्याल दोबारा वीडियो भी देखने की लोड़ नहीं पेगी, ये एक नोटबुक से जरूर कर लो। अच्छा, दूसरे पासे है साडे को क्राइटीरियन रेफरेंस, एक्चुअली ये विरुद्ध च है, ये रैंक नहीं होएगा, पोजिशन नहीं होएगी, है ना। क्राइटीरियन पंजाबी विच क्राइटीरियन कसौटी, कसौटी के सस्से नू चक्किया, मैं लिख लिया स्टैंडर्ड सैट करना, स्टैंडर्ड सैट कर लिया, स्टैंडर्ड सैट फॉर एग्जाम्पल, उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, असी 33% का स्टैंडर्ड सैट किया होया है फॉर पास फेल। इस तरह असी 40-50% वाले बच्चे 33-50% वाले कोई भी क्राइटीरिया असी कोई भी सैट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्स प्रोग्राम या एजुकेशन लैवल केड़ा है, बोर्ड केड़ा है, है ना। असी कह दें हाँ एक कैटागरी रख ले 60% तक, एक कैटागरी 70% तक डिस्टिंक्शन रख ले, इस तरह असी क्राइटीरिया सैट किया है। तुसी कुछ नहीं याद रखना, तुसी पास फेल याद रखना है। अगली सब तो इंपॉर्टेंट गल कि एक ही टेस्ट नू तुसी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट दे वजो भी वर्त सकते हो, क्राइटीरियन रेफरेंस टेस्ट दे भी वजो वर्त सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास का रिजल्ट आया, मान लो जां टेस्ट लिया बच्चों का, तो स्कोर आ गए सब बच्चों के, एक तो है कि ईशान का दर्जा केड़ा है, पंजाबी लिखते हैं दर्जा केड़ा है, ठीक है, रैंक केड़ा है, पोजिशन केड़ी है, वो दूजियां दे मुकाबले कित्थे खड़ा है, टीचर फाइंड आउट कर सकता है कि वो लास्ट ते है, एंड ते, सारे बच्चे उस तो अगे हैं, इस तो ये पता लगे। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ईशान पास है या फेल है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया नैचुरली तुसी क्राइटीरियन रेफरेंस टेस्ट अप्लाई किया। एक होर नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है तुहानू,
ओके परसेंटाइल परसेंटाइल नॉर्म्स होंगे है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की एक कैटागरी है। सो इस पोजिशन के नाल रख के परसेंटेज लिख के किसी तरह भी तुसी याद कर सकते हो। उसकी एग्जाम्पल दे देना हाँ, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे क्लास के बच्चों का टेस्ट होया है और वो स्कोर जिहड़े हासिल किए हैं उसके परसेंटाइल नॉर्म बनाए हुए हैं वो इस तरह के होंगे, उन्हां दा मीनिंग की होएगा वह भी दसना है। ठीक, ये मान लो बच्चे जिस दे 35 स्कोर ने, अच्छा ये मेल दे है उपर लिखा होया है, ये फीमेल दे है, ये टोटल ने। हुण की है इहदे विच कंपैरिजन होएगा, हर हालत विच रैंक होएगा, हर हालत विच पोजिशन होएगी। जिन्हां बच्चों दे 35.20% है वो 5 परसेंटाइल है, ये रैंक है। मान लो जिसका 45 स्कोर जिसने गेन किया है वह मेल है तो उसका 25 परसेंटाइल है। इसका मतलब की है जिन्ने परसेंटाइल है उन्ने बच्चों नू उसने पिछे छड़िया होया है, वो कंपैरिजन विच उन्ने बच्चों तो अगे है। फॉर एग्जाम्पल जिस बच्चे दे 61.90 मार्क्स आए ने और वो मेल है उसका परसेंटाइल 95 है, इट मीनस उसने 95% बच्चों नू पिछे छड़िया होया है। तुसी बहुत हैरान होवोगे, जे वैसे हैरान नहीं होना चाहिए, तुहानू क्वेश्चन मैं होवां तां टेट दा क्वेश्चन जरूर पावां कि टीईटी दा रिजल्ट क्राइटीरियन रेफरेंस्ड है जां नॉर्म रेफरेंस्ड है। जिहड़ा टीईटी दा टेस्ट है क्योंकि एक क्राइटीरिया सैट किया होया है कि 60% वाला जनरल कैटेगरी वाला पास है, क्वालीफाई कर गया, इट मीनस ये क्राइटीरियन रेफरेंस्ड टेस्ट है। और यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आता है वो परसेंटाइल में आता है। नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी के बच्चे पास करते हैं यूजीसी उन्होंने 99.9 या 90 मान लो 99% है, इट मीनस 99% बच्चों नू पिछे छड़ना पैंदा है। हुण इत्थे डिपेंड करता है कि वो ग्रुप उस वक्त यूजीसी नेट का किहड़ा दे रहा है। मान लो बहुत कमजोर बच्चे एक ग्रुप विच एक सैशन च आए ने दे रहे ने, तुहाडा घट स्कोर ते ही 99% जां टॉप का रैंक आ सकता है ना। इत्थे होर फैक्टर ने, किसी वेले पेपर औखा आ जाता है, किसी वेले पेपर सौखा आ जाता है, कुछ भी नहीं है, तो ये 60% मार्क्स लैने हैं। यह रिलेटिवली बहुत रेलेवेंस नहीं इसकी रह जाती। हाँ इत्थे है कि बच्चे टॉप मैरिट दे, टॉप मैरिट दे चुने जाते हैं। जे टीईटी भी क्राइटीरियन रेफरेंस टेस्ट बन जाए तो नैचुरली है कि टॉप 2%, टॉप 3%, 5% जिन्हें भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। फिर यह नहीं होएगा पेपर औखा सी जां सौखा सी, फिर यह होएगा कि तुसीं वो जिहड़े पेपर देने वाले मान लो 1 लाख लोग सी उन्होंने रिलेटिवली तुहाडी जिहड़ी परफॉर्मेंस है की रही है। सॉरी मैं एक होर शब्द बोल दिता, रिटेल रिलेटिवली। सो ये शब्द भी विच पा सकते हो, रिलेटिव का मतलब भी कंपैरिजन और पोजिशन हुंदा है। सो नॉर्म रैंक रिलेटिव है ना, पोजिशन परसेंटाइल कंपैरिजन, इनू इस तरह जिमें भी जिस तरह मैं ऑर्डर चलाया उस तरह तुसी ला के अपनी एग्जाम्पल नाल याद कर सकते हो। हुण आओ देखते हाँ, वैसे हुण चाहिए नहीं है, मेरे सामने विद्यार्थी मेरे बैठे होंगे तो मैं उन्होंने कहना हूँ अप्लाई करो, हुण दसो कि यह केड़ा सही केड़ा होएगा। कंपेयर द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस विद द सैट स्टैंडर्ड, सैट स्टैंडर्ड नाल क्वालीफाई किया है इररिस्पेक्टिव टू की नहीं है, किस तो बिना, वंस पोजिशन, पोजिशन नहीं है, पोजिशन नहीं है, नहीं है। जे पोजिशन होंगी तो नॉम जो असी कापी तो लिखा होएगा फिर नॉम रेफरेंस हो जाना सी, क्योंकि पोजीशन नहीं है इसलिए सैट स्टैंडर्ड है। हुण तुहानूं एक शब्द ने तंग किया, कंपेयर तो इत्थे भी है, दैट इज़ वाई कंपैरिजन लास्ट ते रख्या होया है। इसनूं थोड़ा जिहा तुसीं क्वेश्चन मार्क भी पा सकते हैं कि कंपैरिजन विद अदर्स है, इत्थे ये पूरा लिख लेना, कंपैरिजन विद सैट स्टैंडर्ड है। जो तुसीं कापी ते लिखते हो जिहड़ी सिमिलैरिटी है उसनों डिफरेंस च बदलन लई हैल्प करती है। नैचुरली बाकी आसानी ना याद हो गया, लेकिन कंपैरिजन वाले ने सिमिलैरिटी के इधर कंपैरिजन शब्द भी वरत्या जा रहा है इधर भी, क्योंकि मैं वर्ड या टैग वर्ड लब के क्वेश्चन नू सॉल्व करन ते उसका कंसैप्ट कंसैप्चुअल मैप बनाउण दी जिहड़ी स्ट्रैटेजी नाल तुहानू सिखा रहा हाँ। तो जे कंपैरिजन है इसनों नैचुरली है डबल वाल अंडरलाइन कर लो कि कंपैरिजन विद अदर है, इधर लिखोगे कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड है, एग्जाम्पल नाल याद है।
एक डिफरेंट वीडियो रेफरेंस टेस्ट ते जेड़े है सेल्फ रेफरेंस टेस्ट है बाकी भी टेस्ट ने मैं याद करा दिया करो थोड़ा जहा ना कमेंट बॉक्स लिख दिया करो फिर मैं उस उन्होंने पूरा बना दाँगा। अगला जे समेटिव है समेटिव साम सम मीन टोटल याद करन दे तरीके दस रहा हाँ टोटल जेड़ा है वह एंड ते ही हुंदा है एंड टर्म ते ठीक इत्थे इदां दी कोई गल नहीं है टोटल है एंड है सर्टिफिकेट ली है। डायगनोज असानू मेडिकल टर्म्स पता है कि असी बच्चे दे नेगेटिव भी आस्पेक्ट लभने हैं पॉजिटिव भी लभने हैं तां जो उहदे बेस ते प्लानिंग कर सकीए रिमीडियल टीचिंग दे सकीए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसैस नू इंप्रूव कर सकीए। नैक्सट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट नू मैं अंडरलाइन करांगा क्योंकि ये मेन चीज़ है इज ए फीचर ऑफ डिडक्टिव मैथड। एकदम मैं इनफॉर्मेशन जी मेरे ब्रेन च डिडक्टिव मैथड की है वह कढ़ लेनी है देखो किदा कढ़दा हाँ जिदा मैं अंदर रखी है उदा ही बाहर आ जाएगी। ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इसका कोई मतलब नहीं है इसलिए कहना है कि ये वीडियो सारे तरह की पैडागोजी तुसी जो विद्यार्थी ने उन्होंने लाभकारी हो सकती है। केड़ा समाजिक विज्ञान पढ़ाउन दा निगमन मैं निगमन विधि नू अंडरलाइन कर रहा विधि भी नहीं कर रहा मैं निगमन शब्द तो इधरों डिडक्टिव शब्द तो सब कुछ तुहाडे सामने कढ़ लेना है और नहीं है क्योंकि इत्थे साफ नहीं है इसलिए उधर चलते हाँ। मैं ये दस दवा कि चलो ऑप्शन पहले पढ़ लें हाँ जी टू पी एक ए है ओके एबस्ट्रैक्ट टू कंक्रीट और है एनकरेज मेमोराइजेशन और इट एनकरेजेज डिस्कवरी एंड सिमटिमुलेट इंटलैक्चुअल पावर्स ऑफ द स्टूडेंट। एक तो सिंपल नुकता से मैंने कोई नॉलेज नहीं थी तो लोंग टेल के आधार पर मैं इनू प्रैफर किया। दूसरा नुकता यदा यह सी मैं ऑड मैन आउट कढ़िया ठीक है ये इंटलैक्चुअल एफर्ट्स ने बाकियों के नहीं हैं बाकियों के मैमोराइजेशन वाली चीज़ा हैं एबसट्रैक्ट चीज़ा हैं। देखो मैमोराइजेशन एबसट्रैक्ट है जनरल है ये सारिया चीज़ा जड़िया टैग वर्ड वाली वीडियो ने उदेविच रिजेक्ट होने वाली हैं क्योंकि डिडक्टिव मैथड हमेशा ही अज के युग में रिजेक्ट किया जा रहा है हमेशा 100% नहीं समझना चाहिए मतलब की है कि असी इंडिपेंडेंट एफर्ट जिहड़ा बच्चा खुद करे खुद नॉलेज नू फाइंड आउट करे खुद मीनिंग मेक करे उधर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पोजिशन पेपर ते ये सारे जो फंडामेंटल थ्योरीज है लैके जाना चाहते हैं इसलिए जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं इंडक्टिव अप्रोच वाली ऑप्शन वधिया टीचिंग लर्निंग प्रोसैस मनी जाती है ये कहना चाहता सी वापस आ जाइए कि मैं किदां डिडक्टिव मैथड तो हुण वो कढ़ना है बोर्ड ते चलते हाँ। मैं इत्थे लिख लिया डिडक्टिव इसी तरह तुसीं कॉपी ते लिख लेना है देखो कितनी जल्दी मैनू जिहड़ी है नॉलेज बाहर आ गई। डिडक्टिव दी डी तो मैं लिख लिया याद करन लिख लिखिया होया सी डेफिनेशंस डेफिनेशन मैनू पता है हमेशा ही डी फॉर टैक्सट बुक च हुंदियां हैं और टैक्सट बुक विच आइडियाज ही हुंदे हन किहड़े जनरल स्पैसीफिक पर्टिकुलर आइडियाज नहीं हुंदे जनरल आइडिया हुंदे हन। कोई भी टैक्सट बुक तुसीं चक के देख लो मैं हुणे दिखाना हां तुहानू और इह सानूं पता है कि आइडियाज हमेशा ही एबस्ट्रैक्ट होंदे हैं और एबस्ट्रैक्ट चीज़ नू मोस्टली जनरली मेमोराइज ही करना पैंदा है। ये जिन्हें भी शब्द आए हैं ये सारे ही नॉर्मली ये जिहड़े नैशनल पॉलिसी करिकुलम फ्रेमवर्क वो सारा कुछ उहदे विच रिजेक्ट किए जाते हैं। हुण जदों भी डिडक्शन आती है कि तुसीं ये जे अपनी कॉपी ते इसी तरह लिख लेंदे हो बार बार रिक्वेस्ट करदा हाँ तुहानू ये वीडियो ना देखनियां पैणगियां कदे दुबारा सिर्फ उस कॉपी नू एक बारी देखना पएगा हाँ जे दो चार बार किते तुसीं साल साल बाद भी देख लिया जिंदगी विच ये तुहानू नहीं भुलेगा। मैं ये दस रहा हाँ क्योंकि रियली मैं तुहाडा मैमरी लोड कटवाना चाहना हाँ स्ट्रैस घटाना चाहना हाँ क्योंकि मैं जो एग्जाम सिस्टम चो खुद अपनी मेरी जो स्टडी हुई है वो वेरी पेनफुल स्ट्रैसफुल हुई है उसलिए मैं तुहानू देना चाहना हाँ। अच्छा एग्जाम्पल भी दे देना हाँ मेरे को इत्थे तीन चार टैक्सट बुक्स इनिया पईआं मैं कोई भी टैक्सट बुक चक लैना हाँ ये मेरे को है साहित्य कोश पंजाबी का है मैं कोई भी इतों जे लाइन कोई भी लाइन पढ़ा ठीक है तुहाडे सामने है। नाश वह चीज़ हुंदी है जो जन्म लैंदी है जो चीज़ का जन्म नहीं लैंदी वो नाश नहीं हुंदी हुणे की है ये टैक्सट बुक विच है ये जनरल आइडियाज़ ने ठीक है ये एबस्ट्रैक्ट ने ना नाश हो कोई चीज़ देख रहे हैं तो दिखाई गई है बाहर ग्राउंड विच ले जाके लाइफ विच ले जाके घर ले जाके है ना
सिर्फ एक किताब तो एक आइडिया, आइडिया एब्सट्रैक्ट है। एब्सट्रैक्ट क्यों है कि ये इंपॉर्टेंट है। एब्सट्रैक्ट केड़ी चीज हुंदी है जेड़ी तुहाडे मन दे विच है, अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर हमेशा ही एग्जाम्पल हुंदी है। इत्थे एना ही लिखांगा जिहड़ी वीडियो विच डिटेल तुहानू इंडक्टिव डिडक्टिव ते तुसीं माड़ा जिहा याद करा देना। मैं तुहानू डिटेल च कदे इन्ने शब्द हन इंडक्टिव डिडक्टिव हर पेपर टीईटी च आएगा, हर पेपर च आएगा, इन्ना मोस्ट कॉमन है। पर की है कि जदों एग्जामिनर पेपर पाउंदा है तो वह इंडक्टिव लई कोई नवा शब्द नवा शब्द नवा शब्द। मैं एक पूरी पीपीटी तैयार की हुई है जिहदे विच घट्टो घट्ट 20-25 शब्द ने। देखो कुछ एक शब्द बिल्कुल इत्थे तुहाडे सामने आ गए, जिदा मेरे अंदर रखे से उसी तरह बाहर आ गए। वो सारे शब्द जो तुम देख ले इंडक्टिव डिडक्टिव, वो मैथ हो, साइंस हो, ग्रामर च हो, लैंग्वेज हो, सोशल साइंस किसी भी आवे, आराम ना सॉल्व कर लोगे। और बुक चकदा हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये बुक चक्की है और मैं ये पढ़न लगा। मेरी ही बुक है बी एड लई, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसैस। अच्छा लर्निंग है, लर्निंग इज यूनिवर्सल, एवरी क्रिएचर लर्न। एनी गल है, एक आइडिया नहीं है, ये जनरल नहीं है, ये एबस्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि तुसी एवरी क्रिएचर दुनिया दे हर जीव जंतु नू खुद जाके देखा है, निरीक्षण किया है, उदा ऑब्जरवेशन की है, नहीं उदी उदा निचोड़ लिखा हुआ बुक च। अच्छा मैन इज रैशनल सो लर्न मोर, मेरी अपनी ही किताब चो अपनी ही लिखी हुई लाइन हैं। सो ये की है, ये टैक्सट बुक च है, आइडिया है, एबस्ट्रैक्ट है, नैचुरली ये जां तां समझने पैणगे जां मैमोराइज करने पैणगे। ये तुसी डिस्कवर नहीं कर रहे, जो टैक्सट बुक दे विच है वो तुसी डिस्कवर नहीं कर रहे, वो तुसी जां तां एक जीव दूसरा जीव तीजा जीव चौथा जीव देखोगे, वह भी लर्न करता, वह भी लर्न करता, डॉग भी लर्न करते हैं, पिलियाँ भी लर्न करते हैं, चूहे भी लर्न करते, ह्यूमन बीइंग भी, बच्चा भी, है ना। फिर तुसी कंक्लूजन बनाओ, वो टाइम कंज्यूमिंग वाले प्रोसैस है, लेकिन उस प्रोसैस नूं सही मन्निया जा रहा है, इसनों गलत मन्निया जा रहा है। मेरे ख्याल च इन्हां दे विच जिहड़ा देख लीए कि तुहाडे किहड़े किहड़े शब्द वरते गए हैं। अच्छा जनरल आइडिया, जनरल तो मूव करती है डिडक्शन, ठीक है। एबस्ट्रैक्ट आ गया, एबस्ट्रैक्ट तो मूव करती है ना। इहदे नाल सानू ये भी याद हो गया कि जनरल तो मूव करती है, किधर मूव करेगी, पर्टिकुलर वल नू। किसी वेले तो तीन तीन चार चार क्वेश्चन टीईटी च इस दे बेस ते आ जाते हैं, क्योंकि जनरल यही लिखा हुंदा जी टू पी या पी टू जी या पी टू पी या जी टू जी। सो जनरल तुहानू याद है, तुसी बाकी इस दे उल्ट सब कुछ कर सकते हो कि वह इंडक्टिव मैथड होएगा। इत्थे एबस्ट्रैक्ट है, इस दे उल्ट जिहड़ा है कंक्रीट, कंक्रीट वल नू वधना। अच्छा इट एनकरेज मैमोराइजेशन, नैचुरली आइडियाज़ है तो मैमोराइज़ करोगे। सो ये तिन्ने ही आइटम जिहड़ियां है, क्योंकि डिडक्टिव मैथड का पार्ट है, ये भी डिडक्टिव है, डी लिखता इत्थे भी डिडक्टिव है, ये भी डिडक्टिव है, ये भी डिडक्टिव है, नैचुरली बची आ यही राइट आंसर मिल रहा है। लोंग टेल भी, ऑडमैन आउट भी, नॉलेज के आधार पर भी जी तुम डिडक्टिव मैथड की ली सी आधार पर भी ये कर लिया। चौथा मैथड इसनों सॉल्व करन दा, इट एनकरेजेस डिस्कवरी एंड सिमूलेशन। ये कंपैरिजन करके देख लो कि कदे भी जी टैक्सट बुक है डिस्कवरी लई नहीं, इंटलैक्चुअल पावर स्टूडेंट्स नूं इनकरेज करन लई नहीं कुछ भी करती, सच है नहीं करती, वो जस्ट इनफोरमेशन दिंदी है। इनफोरमेशन तो बाद जे रिफलैक्शन तुसीं करदे हो, एक्सपीरियंस करदे हो, फिर तुहाडी विजडम जां नॉलेज बनती है। सो दैट इज़ वाई टैक्सट बुक मैथड इज जनरली डिसकरेज किया जा रहा है, लेकिन साडा सिस्टम अज भी इस पर बेस्ड है। इस वीडियो के जरिए एक रिक्वेस्ट भी तुहानू करना चाहना हाँ कि मैनू काइंडली नैगेटिव फीडबैक जां मैनू सुजैशन इंप्रूव करने लिए जरूर दो, जां अपनी प्रॉब्लम जरूर दसो। मेरी पर्टिकुलर आ प्रॉब्लम है, जां मेरे वीडियो विच सर आ गलत है, आ गलत है, तुसीं आ ठीक नहीं पढ़ाते, वह जरूर दसो, मैं सुधार करना चाहना हाँ, तां जो सचमुच तुहाडी टेंशन कट सके, तुसी लाइफ वल नू जा सको। मैं एवें नहीं रखिया, लर्न टू एक्चुअलाइज, मैं जिंदगी लिए चैनल बनाया है, ना कि पीटट सीटट ये सब कुछ कराने लिए। ये सिर्फ जरिया हैं कि तुहानू कुछ अच्छा दे सकां। इस इन्हां वीडियो के जरिए तुहाडा मैमरी लोड जो जिहड़ा है वह घटाना चाहना हाँ, स्ट्रैस घटाना चाहना हाँ, तो नैचुरली ईजीली तुसी पास हो सको। ये वो छोटियां गल्लां ने, तो मैनू फीडबैक दिओ कि मैं किदां होर बैटर कर सकदा।
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਨੂੰ ਨਿਗਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਬੇਸਿਕ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਸੂਖਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।